जी मेरा नाम है मीनू, बताने जा रही हूँ। ऐसा करने से आप भी धनवान बन सकते हैं, ये खबर खास आपके लिए ही है। आज के समय में पैसा सभी आदमी के सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यदि पैसा है तो सभी रिश्ते नाते, ऐश और आराम, शोहरत और इज्जत सभी मिल जाती है। और यदि पैसा ना हो तो लोग दूसरे से क्या उम्मीद करें, उसे अपने भी साथ नहीं देते। आज आदमी पैसे के क्या कुछ नहीं करता, जी तोड़ मेहनत इस तरह तरह के जुगाड़ लगाता है कि किसी तरह उसके पास पैसा आने लगे। लेकिन फिर भी जब पैसे की ओर से व्यक्ति निराश होता है तो वो विभिन्न प्रकार के वास्तु दोष, ग्रह नक्षत्र, पूजा पाठ की ओर भागने लगता है। और लोगों को इससे फायदा भी होता है, क्योंकि आज तक ये मान्यताएँ चली आ रही हैं, तो ज़रूर लोगों को इससे फायदा होता होगा। आज आपको हेम एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे लगाने से आपके पास रुपए पैसे की दिक्कत नहीं रहेगी और आप जल्द ही धनवान बन सकते हैं। चीन की फेंग शुई के बारे में आप सभी जरूर सुना है। इसकी मान्यता के अनुसार एक ऐसा पौधा है जो चुंबक की तरह से पैसा खींचता है और आपको इसमें सकारात्मक परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं। हम जिस पौधे के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उस पौधे का नाम है क्रेसुला। जी हाँ, क्रेसुला नाम का पौधा आपकी किस्मत बदल सकता है, आपको कम समय में बेहतरीन परिणाम दे सकता है जिससे आपके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी। तो यदि आप भी पैसे की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो आप भी इस पौधे को लगाकर धनवान बन सकते हैं। क्रेसुला इस पौधे की पत्तियों मोटी और चिकनी होती हैं। इस पौधे का रंग गहरा हरा होता है। इस पौधे की पत्तियों का रंग ना तो पूरी तरह से हरा होता है और ना ही पूरी तरह से पीला, ये दोनों रंगों से मिश्रित पत्तियां हैं। मगर अन्य पौधों की पत्तियों की तरह कमज़ोर नहीं होती, जो हाथ लगाते ही मुड़ या टूट जाएं। यह कम केयर में भी हरा भरा रहता है। इस पौधे को घर के किसी भी स्थान पर रख सकते हैं। इस पौधे को घर की चौखट पर दाहिनी तरफ रखना चाहिए। अगर आप 2-3 दिन बाद भी इसे पानी देंगे तो यह सूखेगा नहीं। क्रेसुला घर के भीतर छांव में भी पनप सकता है। यह पौधा अधिक जगह भी नहीं लेता, आप इसे छोटे से गमले में भी लगा सकते हैं। फेंग शुई बताता है कि क्रेसुला अच्छी ऊर्जा की तरह धन को भी घर की ओर खींचता है। इस पौधे को घर के प्रवेश द्वार के पास ही लगाएं, जहाँ से प्रवेश द्वार खुलता है उसके दाहिनी ओर इसे रखें। कुछ ही दिनों में यह पौधा अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। घर में हर तरह की सुख शांति भी बरकरार रहेगी। धन्यवाद, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।